नमस्कार, आप सबका स्वागत है। सलमान खान और कैटरीना कैफ स्टार फिल्म टाइगर जिंदा है ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की है। रिलीज के पहले दिन जहां फिल्म ने 34 करोड़ 10 लाख रुपए कमाए थे, तो वहीं दूसरे दिन यानी शनिवार को इसकी कमाई 35 करोड़ 30 लाख रुपए रही। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक दो दिन में ही फिल्म की कमाई 69 करोड़ 40 लाख हो चुकी है। उम्मीद है कि फर्स्ट वीकेंड में टाइगर जिंदा है 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लेगी। तरण आदर्श के मुताबिक फिल्म को संडे के अलावा क्रिसमस की छुट्टी होने का बड़ा फायदा मिलेगा। इसके अलावा न्यू ईयर से पहले भी लोग छुट्टियों में फिल्म को देखेंगे। अगर रीजनल और बॉलीवुड फिल्मों के कलेक्शन सिर्फ हिंदी बेल्ट में को साझा रूप से देखा जाए तो टाइगर बाहुबली दो द कंक्लूजन का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई है। अभी भी पहले दिन 40 करोड़ 7 लाख रुपए की कमाई के साथ इस फिल्म का हिंदी वर्जन टॉप पर है। अगर सिर्फ बॉलीवुड की बात की जाए तो इस साल अजय देवगन स्टारर गोलमाल अगेन 30 करोड़ रुपए के कलेक्शन के साथ टॉप पर थी। हालांकि टाइगर ने इस फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।